बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि कोई सुपर पावर या भारत ये समझता है कि वो हमें ग़ुलाम बना लेंगे, ये किसी गलत फहमी में ना रहें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इमरान ख़ान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सियासत इंसानों को तकसीम करना और नफ़रतें फैलाना है, इसलिए पुलवामा के बाद कश्मीरियों के साथ जुल्म किया और मुश्तइल हुजूम ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का माहौल बनाया। हमने बार बार वाजे किया कि जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, इसलिए भारतीय पायलट को रिहा किया। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब चाहे भारत हो या कोई सुपर पावर, मैं और कौम आखिरी गेंद तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। फ़ौज और अवाम दोनों तैयार हैं। भारत इस गलत फहमी में न रहे कि कुछ किया तो जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि तमाम सियासी जमातों ने फ़ैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत किसी मुसल्ह गिरोह या कालाअदम तंजीम को काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब से हमारी हुकूमत आई तो हमने इस पर काम किया। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान की ज़मीन को किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके पूरे हकूक़ दिए जाएंगे। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बराबर के शहरी हैं, उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं होने देंगे। नफ़रतों और तकसीम करने की सियासत को ख़त्म करेंगे। अब वो दौर नहीं रहा कि लोगों को तकसीम करके वोट हासिल किए जाएँ। एक आदमी ने इक़्तिदार के लिए लोगों में नफ़रतें फैलाईं, जिससे कराची की तबाही हुई और सरमायाकार लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। अगर ऐसी सियासत ना होती तो कराची दुबई का मुकाबला कर रहा होता। इसी तरह भारत में मिग 21 तैयारों के लगातार ज़मीन बोस होने पर मीडिया ने इन तैयारों को उड़ते हुए ताबूत करार दे दिया। बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय रियासत राजस्थान में एक मिग 21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने बमुश्किल छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कबल अज़ीं पाकिस्तान पर हमला आवर इन्हीं तैयारों को पाक फ़िज़ाइया ने भी मार गिराया था। चंद दिनों से जारी कशीदगी में जहां भारत का जारहियत पसंद चेहरा बेनकाब हुआ, वहीं भारतीय मीडिया ने नाकारा और ज़ायदुल मियाद तैयारों के इस्तेमाल पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मिग 21 तैयारों को उड़ते हुए ताबूत करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार पर अपने पायलट्स की ज़िंदगियों से खेलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मिग 21 को जंगी तैयारों में वो हैसियत हासिल है जो जदीद सहूलियात से लेस लग्जरी गाड़ियों में भारतीय मारुति की है। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में पेश करदा आदादो शुमार के तहत दावा किया कि मिग 21 तैयारे जंग लड़ने और फतहयाब होकर वापस लौटने की बजाय बेवा बनाने की मशीन बन गए हैं, जिन्होंने कई सुहागनों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय फ़िज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल सोवियत यूनियन दौर के मिग 21 तैयारे अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ताहम हकूमत फ़ौजी साजो सामान की ख़रीदारी में करप्शन को छुपाने के लिए पुराने तैयारों से फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन तैयारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और इंतखाबात में कामयाबी के लिए जंग का ड्रामा रचाने वाले मोदी राफेल तैयारों की दुहाई देने लगे थे।